चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अचार, अचारी चिकन, जिसके लिए हमने लिया है जी 1 किलो चिकन है, और इसके लिए हमने लिया है 1/2 किलो दही, और 2 से 3 अदद यह है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये है जी हमारा स्पेशल अचार का मसाला जिसको हमने खुद घर में तैयार किया है। सारे मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली की रूटीन में, वो चीज़ें हैं इसमें, सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा, अजवाइन और हल्दी, गरम मसाला, इसके साथ ही जो अचार के मसाले होते हैं जैसे कलौंजी, मेथे और दूसरी चीज़ें जो कि हम अचार में शामिल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने हल्की हल्की ब्राउन करके इनको हमने ग्राइंडर किया हुआ है। इंशाल्लाह ये भी आपके साथ बहुत जल्दी हम रेसिपी शेयर करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको हम चिकन में डाल देते हैं, और इसके साथ ही ये मसाला है जी, इसमें से हम 1 चम्मच रख लेते हैं, तकरीबन ये 4 चम्मच के करीब सारा मसाला है, इसको हम रख देते हैं। ये हम आपको बाद में बताएंगे क्यों हमने इसको रखा है। और इसमें अब हम डाल देंगे दही, ये जो 1/2 किलो दही है हमारे पास, इसको फेंट लिया मैंने, इसको सारे को अब मिक्स कर देते हैं। ये सारा अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब हम इसको करते हैं जी, ये हमारे पास टमाटर है, इनको अब काट लेते हैं। ये तकरीबन 7 से 8 टमाटर, इनको इस तरह काट लेंगे। इसमें प्याज वगैरह नहीं जाएगा, शामिल नहीं होगा अचार गोश्त में, प्याज नहीं डालते, ये ना आप लोग डाल दें, मैं आपको पहले बता दूँ कि अचार गोश्त में प्याज नहीं शामिल होता। और वह जो हमने मसाला रखा है 1 चम्मच, वो हम सब्ज़ मिर्चों में डालेंगे, इनको इसमें आप लेमन डाल के या सिरके का 1 चम्मच डाल के सब्ज़ मिर्चों का चीरा लगा के ना उसमें हम भरेंगे। इसी तरह हम सारे प्याज टमाटर काट लेंगे। टमाटर जी काट लिए, ये देखिए सारे। अब हम इसको कढ़ाई को मैंने ऊपर रख दिया, इसमें ऑयल डाल दिया, ये 3 बड़े चम्मच मैंने वो डाले हैं इसमें ऑयल के, और बिस्मिल्लाह अब ये गर्म हो तकरीबन हो ही गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे, और इसको हम इतनी देर पकाएंगे जितनी देर तक ये हमारे टमाटर जो है ना अच्छी तरह से गल ना जाए, मिक्स ना हो जाए, इतनी देर तक हम लोगों ने इनको पकाना। आप भी देख रहे होंगे कि टमाटर इतने ज़्यादा, दरअसल अचार गोश्त में टमाटर जितने ज़्यादा डालेंगे आप, उतना ही आपका सालन टेस्टी बनेगा। इसको हम अच्छी तरह से गला लेंगे। टमाटर जी अच्छी तरह से देखिए गल गए हैं बिल्कुल बेहतरीन, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, और अब हम इसमें डालेंगे ये चिकन जिसमें हमने दही और मसाले ऐड किए हैं, इसको इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और इसमें बस इतना मुनासिब ही पानी डालेंगे जिसमें ये गल जाए चिकन अच्छी तरह से, क्योंकि दही है काफ़ी सारा इसमें, तो दही का भी पानी ही हो जाता है। तो ये जो बाउल में बचा है इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। ओहो, रोटी अली को रोटी बन गई, ये ठहरा, ये पानी पकड़वाऊंगे इसमें ना, एक का पानी शामिल कर लेती हूँ मैं,
इसको अच्छे से मिक्स करके रोटी जल जाएगी। इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और इसके साथ ही हम अब उस सब मिर्चों को, ये जो सब मिर्च है ना, ये मसाला मैंने रखा था, एक मिनट ये रोटी उतारने वाली थी, इनको हमने करना क्या है जी, ये देखिए मैंने इनको ना चीरे लगा लिए हैं इस तरह से ना, दरमियान में सारी मिर्चों को मैंने काट लिया, एक साइड से दोनों साइडों पे नहीं लगाए, जैसे अचार के लिए आप मसाला भरते हैं ना इसी तरह बिल्कुल इसमें हम डालेंगे। ये मैंने एक चम्मच मसाला रखा था, इसमें हम डालेंगे एक चम्मच सिरका, बस अंदाजे से इतना डालेंगे जिसमें ये ना थोड़ा सा गीला हो जाए सिर्फ आपका मसाला जो है ना, चाहे तो आप इसमें नींबू डाल दें, लेमन डालें वो सबसे बेस्ट है, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं था मैं इसलिए सिरका डाल रही हूँ, सिरका भी बेहतरीन है। अब हम इनको ना मिर्चों को इस तरह भर देंगे मसाला, जैसे बिस्मिल्लाह मिर्चों में थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाला भरते जाएंगे सारी में, मैं हाथ से भरूँ ताकि हाथ से काम अच्छी तरह होता है बजाय इन चम्मच वगैरह से करें आप। ये देखिए इनमें सब में मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला भर दिया, सारी मिर्चों को ना इसी तरह हम भर देंगे मसाले के साथ, और लेकिन इनको अभी हम शामिल नहीं करेंगे इसमें अपने सालन में ना, जब इनका पानी बिल्कुल खुश्क होने वाला होगा, ऑयल निकलने वाला होगा तो फिर डालेंगे हम। अभी मैं इनको भर के रख देती हूँ। ये सारी मिर्चों में मसाला मैंने भर दिया है, ये जो थोड़ा सा बचा है ना इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम अपने इसी में डाल देंगे सालन में और इसको मिक्स कर देंगे। इसको हमने बीच बीच में हलाते रहना है, चम्मच को चलाते रहेंगे, अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें इसको पकते हुए तकरीबन हाफ टाइम हो गया और चिकन हाफ गल गया, फिर 10 मिनट हो गए पकते हुए, और अभी थोड़ा सा पानी है इसमें, इसको अभी हम मज़ीद पकाएंगे, वक्फे वक्फे से हम इसको हिला रहे हैं ताकि ना ये लग ना जाए, अभी ये मज़ीद पकेगा। ये देखें जी तकरीबन पानी खुश्क हो रहा है और ऑयल भी बाहर आना शुरू हो गया है, इसलिए अब हम इसमें ये डालेंगे मिर्चें जो हमने भर के रखी हैं, इनको शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाह, तो इनको ना मिक्स करके 5-1 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, उतनी देर तक ऑयल भी सारा बाहर आ जाएगा और ये हमारी मिर्चें जो हैं ये भी बन के पक के तैयार हो जाएंगी। इसको हम आँच को हम कम करके तो इनको लगाने लगे हैं दम पे, 5 मिनट बाद आपको बताते हैं। माशाल्लाह से जी सालन हमारा तैयार हो गया, ये देखें ज़बरदस्त चिकन भी गल गया, ऑयल भी बाहर आ गया सारा, तो अब हम इसको करेंगे, मिर्चें भी पक गई हैं, चूल्हे को करते हैं बंद और इसको हम करेंगे डिश आउट जी, उबाल देना। बड़ा खुशबूदार जायकेदार माशाल्लाह से जी सालन तैयार हुआ है, बिस्मिल्लाह इसको इस तरीके से बनाएं, बिल्कुल सादा और सिंपल, घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।